अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम कैंसेरियंस के हवाले से बात करेंगे। कैंसर अगस्त 2023 प्रेडिक्शंस के हवाले से, अगस्त में तब्दीलियों का ना ख़त्म होने वाले दौर के हवाले से हम बात करेंगे। अगस्त से तेज तरीन ना रुकने वाली धमाकेदार तब्दीलियों के हवाले से हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आप सब जानते हैं कि कैंसर पर ढैया का वक्त चल रहा है, मीन्स के 2.5 साल का स्ट्रगल, 2.5 साल की तकालीफ जो कि अगस्त में भी जारी रहेंगे। लेकिन आपको अपने जो सेहत के हवाले से, अपनी बॉडी के हवाले से या अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसी बैड न्यूज़ के हवाले से सामना नहीं करना पड़ेगा अगस्त के अंदर, और मामलात काफ़ी हद तक पहले से बेहतर होते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन याद रखिएगा, करियर के हवाले से अगस्त के महीने में कुछ रुकावटें आएंगी जिसको आप अबूर कर लेंगे, आप उससे बाहर आ जाएंगे, लेकिन कुछ परेशान या उसकी वजह से स्ट्रेस में आ सकते हैं। कुछ फैमिली मैटर्स के अंदर लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसी अनबन सी हो सकती है जिसको आप काबू पा लेंगे, और साथ स्टूडेंट्स का भी डिस्ट्रैक्शन वाला दौर रहेगा, थोड़ा पढ़ाई में ध्यान कम लगेगा, यूट्यूब, फेसबुक, इन पे जाने से इनको पढ़ाई में वक्त नहीं मिलेगा। तो अगस्त का महीना कैंसेरियंस को पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस दौरान में वालिद की तबीयत खराब हो सकती, कुछ बनते हुए काम अचानक से बिगड़ते हुए भी नजर आ सकते हैं, तो इस मामले को भी आपने ध्यान में रखना। अब हम आपको पहली तारीख से 31 अगस्त तक के तमाम मामला बताने जा रहे हैं। फर्स्ट एंड 2 अगस्त आपके वाइफ हस्बैंड के रिलेशन, आपके कारोबार, आपकी जॉब के हवाले से अच्छी खबर, यानी मामलात ज़िंदगी बेहतरीन रहेंगे। सेलिब्रेशन वाले 2 दिन होंगे जिसमें काफ़ी मामलात आपके सुधरते हुए और काफ़ी बिगड़े हुए काम बनते हुए आपको नजर आएंगे। इस दौरान में आपको कोई अच्छी डील मिल सकती है, अच्छी ऑफर, कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है। पैसों के मामलात में थोड़े खुद का फील रहेंगे इन दिनों के अंदर, पैसा बहुत आएगा। 3 और 4 अगस्त आपकी तबीयत सही नहीं रहेगी जिसकी वजह से कोई ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको पोस्टपोन कर दें, कोई किस्म की इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई नया कारोबार शुरू ना करें, और जॉब कोई नई शिफ्ट होने जा रहे हैं तो उसमें भी गुरेज करें वरना नुकसान हो सकता है। 5 से 11 अगस्त यानी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 7 दिन मुसलसल आपके लिए सेलिब्रेशन के दिन रहेंगे। मियाँ बीवी के रिलेशंस अच्छे रहेंगे, आपके कारोबार में बरकत होगी, आपकी जॉब के हवाले से अच्छी खबरें सुनेंगे। आप बैरून मुल्क जाने की अगर सोच रहे तो ये वो वक्त होगा जिसमें आप जाकर वहाँ कारोबार या जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको कामयाबी मिलेगी। बेरोजगार है वो अपने रोजगार के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं जिसमें भरपूर कामयाबी इनको मिलनी है। 12 और 13 तारीख को नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं, कोई जॉब शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो बहुत बुरा हो सकता है। कोई किस्म का लेन देन ना करें, किसी को उधार नहीं दे, पैसा रुक सकता है या नुकसान हो सकता है। फिर से 8 दिन का सेलिब्रेशन यानी 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 अगस्त तक सेलिब्रेट करते हुए नजर आओगे। अच्छा पैसा कमाओगे, जॉब के हवाले से खुशखबरियां सुनोगे, कारोबार के हवाले से ग्राफ ऊपर जाते हुए देखोगे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे रहेंगे, आपकी लव लाइफ अच्छी चलेगी, तमाम मामलाते जिंदगी बेहतरीन की तरफ जाते हुए इन 8 दिनों में आपको नजर आएगी। कोई नई जिंदगी भी इस दौरान आपके खानदान में आ सकती है, कोई बच्चे की विलादत हो सकती है या कोई बाहर से कोई मिलने, कोई मेहमान आपके यहाँ घर में आ सकता है, एक फंक्शन का, एक ओकेजन जैसा माहौल आपके इस दौरान में रहने वाला है। 22-23 तारीख को थोड़ा फिक्रमंदी वाले दिन होंगे यानी आप थोड़े टेंशन में, डिप्रेशन में होंगे और तबीयत भी थोड़ी सी आपकी ख़राब रह सकती है, तो कोशिश कीजिएगा किसी किस्म का ट्रैवल मत कीजिएगा, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई नया काम शुरू मत कीजिएगा वरना इस पर नुकसान हो सकता है। 24-25 तारीख जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगी, याददाश्त अच्छी होगी, एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर लाएंगे, स्कॉलरशिप के लिए भी कामयाबी से अपीयर हो सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास हो सकेंगे, डिस्ट्रैक्शन कम से कम होगा, और अगर ये इंटरव्यू देते हैं तो उसमें भी कामयाबी होंगे। जो बेरोजगार कैंसेरियंस हैं उनको जॉब मिलने की भी उम्मीद है इन दिनों के अंदर। 26-27 अगस्त आपका एग्रेशन लेवल हाई रहेगा, गुस्सा बहुत आएगा, जबान काबू में नहीं रहेगी, कुछ हर्ट करने वाली बातें बोल दोगे जिससे सामने वाला हर्ट हो जाएगा और ये आपके बॉसेस से भी बिगाड़ पैदा करेगा, आपके घरेलू हालात भी ख़राब कर सकता है और आपके कारोबार में भी मसला पैदा कर सकता है, तो कोशिश कीजिएगा अपने गुस्से और ज़बान पे आपने काबू रखना है। 27, 28, 29 ये 3 दिन आपके लिए सेलिब्रेशन के दिन रहेंगे, तमाम मामलाते ज़िंदगी बेहतरीन होते हुए नजर आएंगे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे रहेंगे, लव लाइफ अच्छी चलेगी, बैरून मुल्क के आप दौरे के लिए जा सकोगे, वहाँ कामयाबी मिल सकती है, और उसके अलावा कोई नया काम, को नया बिजनेस, को नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए अंदर भी आपको कामयाबी मिल सकती है, बेरोजगारों को रोज़गार मिल सकता है,
सकता है तो बहुत बेहतरीन ये 3 दिन आपके लिए रहने वाले। 30 और 31 तारीख आपकी तबीयत खराब रहेगी। कैंसेरियंस को इस दौरान कोई नया काम शुरू नहीं करना, कोई नया बिजनेस, नया कारोबार या कोई नया कुछ भी लॉन्च करना चाह रहे हैं तो उसमें नुकसान हो सकता है। इन्वेस्टमेंट करना भी आपके लिए नुकसानदेह होगा और ट्रैवल मत कीजिएगा, ट्रैवल करना भी आपके लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।